हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक कमाल धमाल वाला प्रोडक्ट। इसका नाम है द यंग मैजिशियन और यहाँ पे लिखा है ए रेस टू बिकेम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैजिशियन। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, लिखा है 101 अमेजिंग मैजिक ट्रिक्स। वाओ, तो इस बॉक्स के अंदर हमें 101 मैजिक ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। तो बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, इस तरह के बॉक्स में मिल जाती है ये चीज़। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसे कर लेते हैं अनबॉक्स। देख लेते हैं क्या हम सच में इसे यूज़ करते हुए 101 अमेजिंग मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं क्या। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो बॉक्स मैंने यहाँ पे कर लिया है ओपन और देख सकते हो दोस्तों, हमें इसके अंदर इतनी ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे भी लिखा है द यंग मैजिशियन। तो चलिए सारी चीज़ें निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऊपर मिल जाता है दोस्तों एक बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इल्यूजन सा दिया हुआ है। तो इसके साथ भी हम एक मैजिक ट्रिक कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा ज़रूर से। तो इसे रख देते हैं साइड में। ये मिले हैं और 3 कप्स रंग बिरंगे येलो, रेड और ब्लू। ओहो, तो ये पता नहीं गाइस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपी वाला कॉइन भी चिपका हुआ है यहाँ पर। तो पता नहीं ये भी कुछ मैजिक ट्रिक होगी, देखते हैं गाइस ये क्या चीज़ है। ओहो, ये भी एक मैजिक करने की चीज़ ही लग रही है, इसे भी देखते हैं। और एक रबर बैंड और एक थ्रेड है और एक डायमंड भी है इसके अंदर। वाह भाई गजब। और कुछ कार्ड्स भी मिले हैं दोस्तों हमें इसके साथ, आप देख सकते हो ये है वाइट कार्ड और ये है ब्लैक कार्ड, सारे के सारे ब्लैक कार्ड्स है। और पीछे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो और क्या क्या है देख लेते हैं इसके अंदर। एक थ्रेड भी मिला है और 4 बॉल्स मिली हैं हमें, एक मैजिक सीखने के लिए बुक भी मिली है। वाव दोस्तों, तो देख सकते हो अगर आप ये बॉक्स परचेस करते हो तो यार आपको ये बुक ज़रूर से पढ़नी चाहिए। ये बुक पढ़कर आप ढेर सारे मैजिक सीख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों कितने ढेर सारे मैजिक्स को सीखने के इसमें ट्रिक्स दिए हुए हैं। तो यार मैं अभी थोड़ी देर ये बुक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको मैजिक भी दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना। तो और देख लेते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई अभी। एक कवर के अंदर कुछ स्टिकर्स लग रहे हैं, ये मुझे पता नहीं दोस्तों, कुछ पेपर दिया हुआ है उसके ऊपर स्टार्स है। और यहाँ पे देख सकते हो एक पीजियन है, कुछ कीस है, थंडरस्टॉर्म है, रैबिट और हैट है, यहाँ पर भी रैबिट और हैट है, ये मून है, कैप है, यहाँ पर भी एक पीजियन है। पता नहीं गाइस इसके साथ भी कोई मैजिक करते होंगे, देखते हैं इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। और पता नहीं, एक पेपर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है ए बी, अभी देख सकते हो। ओ गाइस, यहाँ पर मिली है एक मैजिक स्टिक। वाव दोस्तों, आप इसे मैजिक बता सकते हो, हैरी पॉटर वाली मैजिक स्टिक जैसी लग रही है ये। तो डिब्बा हो चुका है खाली। तो दोस्तों ये बॉक्स मैंने कहाँ से परचेस किया है ये भी आपको बता देता हूँ। आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते हो कि मैं इतनी ढेर सारी चीज़ें कहाँ से परचेस कर लाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा अमेज़ॉन, मैं सारी चीज़ें अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से ही बाई करता हूँ दोस्तों।
ये देख सकते हो, ये रहा हमारा प्रोडक्ट और इसका प्राइस है 410 रुपीज़। आप अगर इसे बाई करना चाहते हो तो बाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप बाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हो इस बॉक्स को भी मैंने परचेस किया है अमेजोन से और इसका नाम है आबराकडाबरा मैजिक शो। इसकी भी अनबॉक्सिंग थोड़ी ही दिन में आने वाली है दोस्तों, अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो दोस्तों। इन दोनों बॉक्सेस को मैं कंपेयर भी करके बताने वाला हूँ, देखते हैं दोनों बॉक्सेस में से कौन सी वाला बॉक्स अच्छा है, उसके बाद ही आप परचेस करना दोस्तों। ये थी दोस्तों हमारी लास्ट वाली वीडियो, माय येलो कलर आरसी फरारी कार अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। तो दोस्तों आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना। इसके अंदर मैंने मेरे पास जितने भी येलो कलर के कार्स हैं उन सारे कार्स को इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया है और आप लोगों ने यहाँ पे किए हैं 1.7K लाइक्स। तो थैंक यू दोस्तों इतने ढेर सारे कमेंट्स करने के लिए आप लोगों का। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो पर जरूर से 5000 लाइक्स कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए चटपट टॉय टीवी को। तो चलिए दोस्तों आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। यहां पर हमें मिले हैं 908 कमेंट्स। वाह भाई दोस्तों मजा आ गया इतने ढेर सारे कमेंट्स आपके देखकर। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों सारे कमेंट्स को मैंने हार्ट भी दिए हुए हैं और सारे कमेंट्स पर लाइक भी किए हैं और सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी देने के लिए कोशिश की है। तो दोस्तों इन सारे कमेंट्स में से मैंने पिक किए हैं 32 लोगों के नाम, तो उनके नाम अभी मैं लेने वाला हूं। तो दोस्तों आपका नाम उसमें नहीं आता है तो यार बिल्कुल भी निराश मत होना, आप कीजिए एक अच्छा वाला कमेंट, मैं आपका नाम लेने के लिए जरूर से कोशिश करूंगा अगली वाली वीडियो में। तो माय डियर दोस्तों यहां पे पहला नाम आ जाता है श्रेयस सरकार, आदित्य आयचित, यश शेलार, पुनीत वानीपुरा, वीर शाह, सलमान गेमिंग, शक्ति सिंह, साधना शर्मा, कल्याणी राभा, मुबीन खान, प्रमोद जैन, नीलम, मुरली कृष्णा प्रसाद, दीपक धुरी, केवी जोशी, गोपाल, मयंक राज, पार्थ घोष, मुशीर रहमान, नूप प्रो गेमिंग, आरिफा अख्तर, आयुष पटनायक, क्रिश राणा, ईशान एंड तनिषा, सूरज गेमिंग, वाईटी, विभूति बीजे, भवानी शंकर, छाया बागले, हरनूर कौर, अमाम अब्दुल्ला, स्टोरी स्टूडियो, निखिल महाजन, एम अली फरीद, निकू तरन। तो थैंक यू दोस्तों इतने प्यारे और इतने ज़बरदस्त कमेंट करने के लिए आप लोगों का। तो दोस्तों आप भी चाहते हो मैं लूँ आपका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में तो यार जरूर से इस वाली वीडियो पर कर देना लाइक और नीचे कर देना कमेंट। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक किस तरह से करते हैं और आपको मैं मैजिक सिखाने भी वाला हूँ। तो पहले हम करने वाले हैं 3 balls and 3 cups का मैजिक। एक बॉल और ये रही दूसरी बॉल और ये रही तीसरी बॉल। तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पे जरूर से लाइक भी कर देना। तो देखो गाइस अभी मैजिक, ये ले लिया मैंने एक बॉल और बॉल को रख दी यहां पर। आबरा कडाबरा गिली गिली छू। तो गाइस देखो अभी मैजिक है ना कमाल की चीज। गाइस अभी मैजिक खत्म नहीं हुआ है, देखते जाओ। ये देखो दूसरा वाला बॉल, आप देख सकते हो गाइस ये बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं है, पूरे सॉलिड है। तो इस दूसरे वाले बॉल को भी मैं यहां पर रख देता हूं। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, टडाम। अभी देखो गाइस अभी कमाल होने वाला है एकदम। एक दो ये तीन, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो अभी देखो गाइस ये बॉल ले रहा हूं मैं, यहां पर रख रहा हूं और इसे इस पर रख रहा हूं। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, टडम। ओह माय गॉड गाइस इसमें तो बॉल ही नहीं आई है, बॉल कहां पर गई? बॉल आई है यहां पर। दोस्तों ये मैजिक मैंने किस तरह से की है अभी आपको रिवील करने वाला हूं। देख सकते हो 3 balls ले ली थी मैंने ऑलरेडी गाइस, मैंने इसके अंदर एक बॉल यहां पे छिपा कर रखी हुई थी, देख सकते हो आप इस तरह से। तो मैंने किया था क्या अभी आपको बताता हूं। तो इस तरह से रखा था मैंने
देख सकते हो इस तरह से कप्स थे यहाँ पर तीन, तो इसे मैंने इसे फटाफट से इस तरह से रख दिया था। तो ऑलरेडी इसके अंदर अभी एक बॉल है, अभी आप देख सकते हो गाइस इस तरह से, तो हमें इस तरह से रखना होगा, ये इस तरह से और इस तरह से, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बॉल रहेगी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस, आप देख सकते हो ये बॉल यहीं पर ही है, नीचे नहीं गई है, ये आसान है, कोई भी कर सकता है गाइस। दोस्तों मैं अभी आपको ये बॉक्स और ये डाइस की मैजिक बताने वाला हूँ, देख सकते हो बिल्कुल भी सॉलिड डाइस है ये। तो इस बॉक्स को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसे इसके अंदर डाल देता हूं मैं, और इस बॉक्स को बंद कर देता हूं। अभी देखो गाइस इस बॉक्स के अंदर से मैं वो डाइस को गायब ही कर दूंगा पूरी तरीके से। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, अभी मैं आपको बॉक्स ओपन करके बता रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर डाइस दिख रही है क्या आपको कहीं पर भी? नहीं है डाइस। तो अभी मैं इस डाइस को वापस लेके आऊंगा गाइस, आप देखना कैसा लगा गाइस ये ट्रिक। दोस्तों इस मैजिक को मैंने किस तरह से किया है अभी रिवील करता हूं। तो ये रहा डाइस, तो इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो ऑलरेडी एक यहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट कंपार्टमेंट है, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने किया बस इसे लिया और इस सीक्रेट कंपार्टमेंट में इस तरह से डाल दिया इसे, और इसे इस तरह से बंद कर दिया, और इसे इस तरह से घुमा लिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सीक्रेट कंपार्टमेंट मेरी तरफ हो चुका है, तो सामने वाला जो बंदा रहेगा उसे ये दिखाई नहीं देगा। तो फिर इसे सामने वाले डोर को भी इस तरह से मैंने ओपन कर दिया, तो आपको अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका जो सीक्रेट कंपार्टमेंट है मेरी तरफ है। तो बस आपको इस ट्रिक इस तरह से करना है कि आपके पीछे कोई भी ना रहे, सारे लोग आपके सामने ही बैठे रहे, तभी आप ये ट्रिक सक्सेसफुली कर सकते हो। तो मैं भी आपको और एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मैंने रख लिए है 3 कप्स और 3 बॉल्स। ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है दोस्तों, ध्यान से देखते रहना, देख सकते हो इसे मैं डाल रहा हूं इसके अंदर, डाल लिया मैंने, अब इसको भी डाल दूंगा इसके अंदर, देख सकते हो डाल दिया मैंने, और इसको भी डाल दूंगा इसके अंदर। अभी देखो गाइस कमाल की ट्रिक है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, 1 2 3, 1 2 3, टडम, माय गॉड गाइस कहां पर गई दोनों बॉल्स, अब देख सकते हो मैजिक, ये रही तीनों बॉल्स इसके अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों ये मैजिक मैंने किस तरह से किया था अभी आपको रिवील करने वाला हूं। तो यहाँ पे 3 कप्स है, 3 बॉल्स है, ऑलरेडी मैंने इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो एक बॉल छिपा कर रखी हुई है। तो दोस्तों इस बॉल को मैंने यहाँ पर इस तरह से पकड़ा हुआ था, बस मैंने आपको इस तरह से दिखाया कि मैं बॉल इसके अंदर इस तरह से डाल रहा हूँ, मैंने बॉल बिल्कुल भी नहीं डाली थी, ये बॉल मेरे हाथ में ही थी, आप देख सकते हो इस तरह से किया मैंने। और फिर इस बॉल को भी गाइस इस बॉल के साथ मैंने इस तरह से मिला दिया, और यहाँ पे हो चली है अभी 3 बॉल्स। तो इस बॉल को मैंने क्या किया गाइस, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इस बॉल को पकड़ा, और मैंने इस तरह से किया कि ये बॉल अंदर जा चुकी है, मैंने डाली थी नहीं गाइस यहाँ पे बॉल, आप देख सकते हो। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, इस बॉल को मैंने इस तरह से पकड़ा और इस तरह से किया, और इस हाथ को यहाँ पर इस तरह से रखा, और इस बॉल को नीचे छोड़ दिया मैंने इस तरह से, तो यहाँ पे आ चुकी है 3 बॉल्स। ये मैजिक भी बहुत आसान है गाइस, कोई भी कर सकता है, तो देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं इस ट्रिक से मैजिक, बहुत ही आसान सी ट्रिक है गाइस, आप देखो गौर से, ये ले ली मैंने मेरे हाथ में स्टिक, आप देख सकते हो गाइस मेरे हाथ में किस तरह से चिपक चुकी है स्टिक।
अभी मैं इस मैजिक को रिवील भी करूंगा, आपको देख सकते हो। बस मैंने इस तरह से पकड़ा था गाइस इस स्टिक को, देख सकते हो आप। बस आपको इस तरह से अपनी फर्स्ट जो फिंगर होती है उस फिंगर से इस स्टिक को दबा कर रखना है और इस तरह से घुमा देना है, जिससे सामने वाले को लगेगा कि ये स्टिक आपके हाथ से चिपक चुकी है। दोस्तों अभी और एक मैजिक दिखाने वाला हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल मैजिक है, इसके साथ ही हमें चीजें मिल जाती है। ये देख सकते हो, ये रहा रेड कलर का एक कार्ड और ये रहा येलो कलर वाला कार्ड। अभी आप बताओ गाइस दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, येलो वाला कि रेड वाला? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा येलो वाला सबसे बड़ा है दोनों में से। तो अभी मैजिक देखो गाइस, मैं इसे रख रहा हूँ यहाँ पर। अभी आप बताओ गाइस कौन सा वाला बड़ा दिख रहा है आपको, येलो वाला कि रेड वाला? तो एक इल्यूजन मैजिक है दोस्तों, देख सकते हो अभी आपको रेड वाला बड़ा दिखाई दे रहा होगा। मैं अभी इसे रख देता हूँ सामने, तो अभी आपको येलो वाला बड़ा दिखाई देगा। तो यार ये बड़ा छोटा कुछ नहीं है, देख सकते हो दोनों भी बिल्कुल सेम साइज के हैं। दोस्तों अभी इस बॉक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यार मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसके अंदर 101 मैजिक ट्रिक्स होंगे, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो बहुत ही कम चीजें दी हुई है इसके अंदर, शायद 7 से 8 चीजें दी हुई है, वो भी प्रॉपर नहीं है गाइस क्वालिटी इसकी। ये देख सकते हो ये अभी से ही फटने लगा है, यहाँ से बहुत ही बेकार क्वालिटी लगी गाइस मुझे इस बॉक्स की। अगर आप इसे फिर भी बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो। या फिर दोस्तों इस बॉक्स का भी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, आप वेट कर लो, इस बॉक्स को भी देख लेना गाइस, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है और इसके अंदर भी क्या क्या चीजें मिलती है, दोनों का कंपैरिजन वीडियो में बनाने वाला हूँ। उसके बाद में आप ही लोग डिसाइड करके खरीदना गाइस दोनों में से कौन सा बॉक्स आपको खरीदना है। तो दोस्तों आपको मेरा काम पसंद आया तो गाइस इस वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना और नीचे एक बढ़िया वाला कमेंट भी कर देना। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।